77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीसीएन बीटीपी नागपुर मेट्रो समाचार के तत्वावधान से ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय बीटीपी और बीसीएन ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख और जोया शेख इनके हाथों झंडा वंदन सम्पन्न हुआ। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस भावना के साथ बीसीएन बीटीपी नागपुर मेट्रो समाचार द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बीटीपी बीसीएन के ग्रुप संस्थापक सिराज शेख और जोया शेख इनके हाथों झंडा वंदन सम्पन्न हुआ। इस समय बीसीएन न्यूज के संपादक इमरान शेख भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन के साथ राष्ट्रगीत से हुई, वही देशभक्ति गीतों से यह कार्यक्रम मनाया गया। इस समय बोलते हुए सिराज शेख ने कहा कि शरीर की आज़ादी के साथ ही मन की आज़ादी काफी जरूरी है और खुद से पहले देश को रखे वही सच्चा भारतीय है। तो वही जोया शेख ने आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए वंदे मातरम का गीत गाया। इस समय कर्मचारियों ने भी अपने विचार रखे। 77 साल हो गए हमारे आजादी को और शायद हमारी बॉडी को आजादी मिली, शायद हमारे दिमाग को नहीं मिली अभी भी, इसलिए लोगों के कम क्वांटिटी में दिख रहे, मेरे हिसाब से 20% लोग भी आए हुए नहीं है। तो हमको अपने आप से ज़्यादा अपने देश से प्यार करना चाहिए, सबसे पहले अपने देश से प्यार करना चाहिए, बाद में अपने आप से करना चाहिए कि हम जिस मिट्टी में रहते हैं उसके उसका सेलिब्रेशन अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि सब लोग दिल से आओ तो मज़ा आए, नहीं जी हमको इन्विटेशन नहीं मिला, हमको दावत दो, ये कोई मेरे घर शादी के घर का फंक्शन नहीं है और ना ही कोई ऑफिस का फंक्शन है, ये देश का फंक्शन है। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम देश दिल से जुड़े तो उसमें मजा आएगा। दूसरा मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, क्या हर इंसान को आगे बढ़ने की काबिलियत होती है कि उसने आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है क्या जैसा कोरोना काल यहाँ पे गया है और उसके बाद में कभी ऑफिस का उतार चढ़ाव आता है, तो कोई इवेंट बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस झंडे की शुरुआत सिराज शेखर पंचायत मन्ना की ने किया था आज से करीब 25 साल पहले, लेकिन 4-5 सालों से हमारा ऑफिस इधर शिफ्ट हुआ तो इधर के लोगों ने इसको बंद करना किए नहीं 5 साल से, तो ये इधर रॉन्ग। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी फ्यूचर में कभी होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जो भी यहाँ पे रहता है उनकी जवाबदारी ये सब चीज़ करने की। और रही बात इसकी, क्या एम्प्लाई कभी कभी मैं देखता हूँ चेहरे, यही एक पीरियड होता है ना, तो मतलब ध्यान में भी नहीं आता कि कौन मेरे डिवीज़न में कौन से सेक्शन में काम कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जुनून आपका काम आपकी पहचान है, आपका चेहरा नहीं। अगर कई व्यक्ति होते कि नहीं सर हम तो बहुत काम करते हैं और HR से मैं रिपोर्ट मंगाता हूँ तो रिपोर्ट में काम नहीं दिखता है, तो कृपया ऐसा ध्यान दें कि अपने रिपोर्टिंग को मस्त रखें। जितना रिपोर्टिंग स्ट्रांग रखेंगे, चाहे आपको कोई HR बोले या आपका सीनियर बोले रिपोर्टिंग दो, उनकी मत सुनो, खुद की रिपोर्टिंग खुद रखो और उनको दो, क्योंकि वही रिपोर्ट से आपकी पहचान होती है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और सबको 77वें आज़ादी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज हमारे देश को 77 इयर्स हो चुके हैं आज़ाद होने के लिए, तो सर आज सर ने जो कहा है ये कहीं ना कहीं 100% राइट है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारे दिमाग आज भी आज़ाद नहीं है। एक दिन आज़ादी ले लोगे, बाकी के दिन क्या करोगे? आज यहाँ पर हमने झंडा फहरा लिया है, हमने देश को आज़ादी दे दी है, हमारे देश ने हमको आज़ादी दे दी है, लेकिन हमारे अस्तित्व का क्या? हमारे अस्तित्व को जब हम आज़ाद करेंगे, जब हम सोचेंगे कि हमारे पंखों को उड़ान मिली है उड़ने की, तब आप उड़ पाओगे। देश तो आज़ाद हो चुका है लेकिन आपको आज़ाद होना पड़ेगा, आपको आज़ाद होकर काम करना पड़ेगा। आज़ाद होकर काम करोगे, जिस दिन फ्री माइंड से काम करोगे उस दिन डेफिनेटली आप ऊंचाइयों को छुओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। थैंक यू, इतना ही बोलना चाहूँगी मैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को 77वें स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कुछ कहना था सर ने और भाभी ने कह दिया है। अपना काम, अपना वर्क, अपना घर, अपना परिवार, अपना देश, आप इन सबको एक जैसे मापोगे तो ही आगे तरक्की कर पाओगे। यही कि दो शब्द कह के मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। बीसीएन न्यूज़ के लिए मनीष टेमरे की रिपोर्ट।